अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 5 नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर मुंतकिल करने के अमल के हवाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू अदर नंबर सिस्टम, कि डेसिमल नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने के अमल को। उसके बाद हमने बात करनी है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट टू अदर नंबर सिस्टम, के जो डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम किस तरह से दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर मुंतकिल कर सकते हैं, इस हवाले से हमने बात करनी है। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू अदर नंबर सिस्टम, कि डेसिमल नंबर सिस्टम को किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस हवाले से हमने बात करनी है। द डेसिमल नंबर सिस्टम मे कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो सकता है। दीज पार्ट्स आर इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट, एक को हम इंटीजर और दूसरे को हम फ्रैक्शनल पार्ट का नाम देते हैं। डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू कन्वर्ट दीज पार्ट्स ऑफ अदर नंबर सिस्टम, के मुख्तलिफ मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए हम इन हिस्सों को दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इंटीजर टू अदर नंबर सिस्टम, कि हमने कहा था हमने दो पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम इंटीजर नंबर के हवाले से देखेंगे कि जो इंटीजर नंबर है डेसिमल का, उसको हम किस तरह से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसका मेथड बयान किया गया है। द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू कन्वर्ट इंटीजर पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम, के दस जेल तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए हम जो इंटीजर पार्ट होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का, उसको दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर मुंतकिल कर सकते हैं। नंबर वन, प्रोग्रेसिवली डिवाइड इंटीजर बाय द बेस ऑफ नंबर सिस्टम इन विच द नंबर इज़ टू बी कन्वर्टेड अंटिल नंबर बिकम ज़ीरो, कि हम जो इंटीजर नंबर जिस डेसिमल इंटीजर नंबर को जिस भी नंबर सिस्टम के अंदर मुंतकिल करना चाहते हैं उसकी बेस को इस्तेमाल करते हुए उसको डिवाइड करते जाएंगे यहाँ तक के कि जो नंबर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। पॉइंट नंबर टू है, राइट डाउन द रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर, के जो रिमाइंडर आएंगे उसको उल्टे तरीके से लिखना है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है ताकि हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मिल जाए। अब हम इनकी एग्जांपल्स के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले है डेसिमल टू बाइनरी, के डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर वन है कन्वर्ट 88 बेस 10 टू बाइनरी, के 88 जो बेस 10 के अंदर है उसको हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 88 को डिवाइड किया हमारे पास 2 पे, तो उसका आंसर आया 44 और रिमाइंडर क्या बचा, 0। फिर 44 को डिवाइड किया 22 पे, सॉरी 44 को डिवाइड किया 2 पे, तो आंसर आया 22 और रिमाइंडर क्या बचा, 0। फिर हमने 22 को डिवाइड किया 2 पे, तो आंसर आया 11। फिर 11 को डिवाइड किया 5 पे, तो आंसर आया 11 को डिवाइड किया 2 पे, तो आंसर आया 5 और रिमाइंडर बचा 1। फिर 5 को हमने डिवाइड किया 2 पे, तो आंसर आया 2 और रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 को डिवाइड किया तो आंसर आया 1 और रिमाइंडर बचा 0। फिर उस 1 को डिवाइड किया, क्योंकि 1 हमारे पास छोटा नंबर है तो वो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमारे पास एंड पे 0 बच जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी थी कि तब तक हमने नंबर को डिवाइड करते रहना है जब तक कि 0 नहीं आ जाता। अब हम जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है उसको नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ लिखते जाएंगे, तो 88 बेस 10 इक्वल्स टू 0101112, तो ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई है डेसिमल नंबर की बाइनरी नंबर के अंदर। एग्जांपल नंबर टू है कन्वर्ट 66 बेस 2 टू बाइनरी, के 66 को जो बेस 10 के साथ है उसको बाइनरी नंबर के अंदर मुंतकिल करें। तो हमने अपने मेथड को अपनाते हुए इस पे काम शुरू कर दिया। पहले हमने एक ब्लॉक बनाया जिसके अंदर हमने डिवाइज़र को लिखना है, फिर दूसरा बनाया जिसके अंदर हमने लिखना है नंबर को, और तीसरा जिसके अंदर हमने रिमाइंडर को लिखना है। 2 को डिवाइड किया 66 पे, तो हमारे पास आंसर आया 33, जबकि रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। फिर इस 33 को हमने डिवाइड किया
टू पे तो आंसर आया 16 और रिमाइंडर बचा एक। इसी तरह 16 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 8 और रिमाइंडर बचा 0। फिर 8 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 4 और रिमाइंडर बचा 0। फिर 4 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 2 और रिमाइंडर बचा 0। इसी तरह 2 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 1 और रिमाइंडर बचा 0। फिर जो 1 है उसको डिवाइड किया, तो क्योंकि 1 हमारे पास छोटा नंबर है 2 से, इस वजह से 1 वैसे का वैसे रिमाइंडर में आ जाएगा और हमारे पास नंबर पीछे क्या बचेगा 0। तो हम जो लास्ट 0 है उसको स्टार्ट पे लिखेंगे लेफ्ट साइड पे और ऑनवर्ड एंड तक लिखते जाएंगे रिमाइंडर वाली साइड पे। तो पहले लिखेंगे 0100010 base 2 के साथ, क्योंकि इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है कन्वर्ट 27 base 10 टू बाइनरी, के जो 27 हमारे पास नंबर है जो वैल्यू है इसको बाइनरी नंबर के अंदर मुंतकिल करना है। तो 27 को हमने डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 13, क्योंकि 213 are 26 और 26 हमारे पास जो होल नंबर होते हैं हमने पूरे पूरे अदाद को उसके ऊपर डिवाइड करना है और जो बच जाएगा उसको वैसे रिमाइंडर के अंदर लिखना है। तो 27 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 13 और रिमाइंडर बचा 1। फिर इस 13 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 6 और रिमाइंडर बचा 1। 6 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 3 और रिमाइंडर बचा 0। 3 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया, पीछे जो नंबर बचा वो 1 और रिमाइंडर बचा 1। फिर जो हमारे पास नंबर था 1 उसको हमने डिवाइड किया 2 पे तो 1 क्योंकि छोटा है 2 से, तो इसका आंसर आएगा 0 और रिमाइंडर बच जाएगा 1। फिर इस नंबर को जो हमारे पास रिमाइंडर है और जो लास्ट पे 0 आया इसको हम लिखेंगे 27 base 10 equals to 0110 base 2। एग्जाम्पल नंबर 4 है कन्वर्ट 55 base 10 टू बाइनरी, के जो बेस 10 है उसको उसके अंदर जो सॉरी 55 base 10 के साथ जो है रकम इसको हमने डिवाइड कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ। तो 55 को डिवाइड किया 2 पे तो हमारे पास आंसर आता है 27 और 1 रिमाइंडर बचा। फिर 27 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 13 और हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 1। इसी तरह हमने डिवाइड किया 13 को 2 पे तो आंसर आया 6 और रिमाइंडर बचा 1। फिर 6 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 3 और रिमाइंडर बचा 0। फिर 3 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 1 और 1 पीछे रिमाइंडर बच गया। फिर इस 1 को हमने डिवाइड किया 2 पे तो 1 क्योंकि छोटा होता है 2 से, तो इसलिए वो डिवाइड प्रॉपर नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर में लिख दिया 0 और सॉरी जो रिमाइंडर में लिख दिया 1 और जो वैसे नंबर होगा उसको वहाँ पे 0 लिख दिया। तो यहाँ पे आएगा 55 base 10 equals to 0110 111, ये हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट है डेसिमल टू ऑक्टल, कि डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है कन्वर्ट 119 टू ऑक्टल, कि 119 को ऑक्टल नंबर के अंदर मुंतकिल करें। तो अगर आपको याद हो यहाँ पे भी जो हमने सबसे पहले इसका मेथड पढ़ा था, हमने कहा था कि जो जिस बेस के अंदर इसको कन्वर्ट करना है उसके साथ इसको डिवाइड करना है। तो 8 को डिवाइड किया 119 पे तो जवाब आया 14 और पीछे रिमाइंडर बचा हमारे पास 7। फिर 14 को डिवाइड किया 8 पे तो हमारे पास आंसर आया 1, क्योंकि 8 ones are 8, 8 twos are 16 इससे बड़ा रहता था, तो 16 से छोटी वाली वैल्यू थी 8 जो के है 1, तो पीछे रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 6। तो फिर जो हमारे पास नंबर था 1 इसको डिवाइड किया 8 पे तो 8 क्योंकि बड़ा है और जो हमारे पास नंबर है वो छोटा है, तो 1 वैसे का वैसे आ गया और हमारे पास 0 बच गया। तो 119 बेस 10 बराबर है 0167 विद बेस 8। इसी तरह एग्जांपल 2 में हमारे पास है कन्वर्ट 185 टू ऑक्टल नंबर, के 185 को ऑक्टल नंबर के अंदर कन्वर्ट करें। 185 को सबसे पहले डिवाइड किया 8 के साथ तो आंसर आया 23, पीछे बचा 1। फिर 23 को डिवाइड किया
8 पे तो आंसर आया 2, क्योंकि 8 वन ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16, 8 थ्री ज़ार 24, 24 बड़ा हो जाता है रिक्वायर्ड जो हमारे पास नंबर है, तो इस वजह से हमने उसको 2 पे डिवाइड किया और 7 हमारे पास रिमाइंडर बचा। अब 8 को डिवाइड 2 को डिवाइड किया 8 पे, तो क्योंकि 2 छोटा है तो ये रिमाइंडर के अंदर आ जाएगा और नीचे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 185 बेस 10 इक्वल्स टू 0271 बेस 8। एग्जाम्पल नंबर 3 है, कन्वर्ट 250 टू ऑक्टल, कि 250 को जो कि बेस 10 यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर है उसको कन्वर्ट करें ऑक्टल के अंदर। तो 250 को डिवाइड किया 8 के ऊपर तो आंसर आया 31, 31 को और रिमाइंडर बचा हमारे पास 2, 31 को डिवाइड किया 8 पे तो आंसर आया 3 और रिमाइंडर बचा 7, फिर 3 को डिवाइड किया 8 पे तो 8 क्योंकि बड़ा है तो वो प्रॉपर यानी कि हमारे पास प्रॉपर नहीं आएगा आंसर, इस वजह से वहाँ पे 3 रिमाइंडर में आ गया और 0 पीछे बच गया। तो 250 बेस 10 इक्वल्स टू 0372 बेस 8। एग्जाम्पल नंबर 4 है, कन्वर्ट 1021 बेस 10 टू ऑक्टल नंबर, कि 1021 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर है उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर मुंतकिल करें। 1021 को डिवाइड किया 8 पे तो जवाब आया 127 और रिमाइंडर बचा 5, फिर 127 को डिवाइड किया 8 पे तो आंसर आया 15 और पीछे बचा 7, फिर हमने 15 को डिवाइड किया 8 पे तो आंसर आया 1 और पीछे बचा 7, फिर इस 1 को डिवाइड किया हमारे पास क्योंकि 1 छोटी वैल्यू है 8 से तो 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा रिमाइंडर में और 0 हमारे पास नंबर पीछे बच जाएगा। तो 27 बेस 10 इक्वल्स टू 01775 विद बेस 8। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, कि डेसिमल को अगर हेक्साडेसिमल के अंदर मुंतकिल करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो नंबर हमारे पास है जी, सबसे पहले कन्वर्ट 185 बेस 10 टू हेक्साडेसिमल, कि एग्जांपल नंबर 1 में स्टेटमेंट क्या दी है कि 185 को हमने मुंतकिल करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो 16 को डिवाइड किया 185 पे तो आंसर आया 11 और 11 को पीछे बचा हमारे पास 9, 11 को डिवाइड किया 16 पे तो 16 क्योंकि बड़ा है तो वो डिवाइड नहीं होगा तो 11 रिमाइंडर में आ जाएगा और हमें पता है 11 बराबर होता है बी के, क्योंकि हमने कहा जब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के वाले से बात की तो हमने कहा था ये 16 अदाद पर मुश्तमिल होता है 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ अल्फ़ाबेट तक। ए से लेकर एफ से जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये ज़ाहिर करते हैं 10 से लेकर 15 हिंसों तक, तो जो 11 है वो बी को बी से रिप्रेजेंट होता है। तो हम लिखेंगे 185 बेस 10 इक्वल्स टू 0B9 बेस 16। एग्जाम्पल नंबर 2 है, कन्वर्ट 225 बेस 10 टू हेक्साडेसिमल, के जो 225 है बेस 10 के अंदर उसको हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे मुंतकिल करें, उसको मुंतकिल करें। तो हमारे पास 225 को बेस 16 से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारे पास 14, 14 और रिमाइंडर बचा 1, 14 को डिवाइड किया 16 पे क्योंकि 14 छोटा है 16 से तो वो डिवाइड प्रॉपर नहीं होगा, इस वजह से 14 वैसे का वैसे रिमाइंडर में आ जाएगा और 14 को अल्फ़ाबेट ई से ज़ाहिर किया जाता है और 0 हमारे पास वो नंबर बचेगा। तो आएगा 225 इक्वल्स टू 0E116। एग्जाम्पल नंबर 3 है, कन्वर्ट 7551 बेस 10 टू हेक्साडेसिमल, के 7551 को जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर है उसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर मुंतकिल करें। तो 7551 को डिवाइड किया हमने 16 पे तो आंसर आया 471 और रिमाइंडर बचा 15 जिसको हमने एफ से ज़ाहिर कर दिया, फिर 471 को डिवाइड किया 16 पे तो आंसर आया 29 और रिमाइंडर बचा 7, फिर 29 को डिवाइड किया 16 पे तो आंसर आया 1 क्योंकि 16 वन ज़ार 16, 16 टू ज़ार 32, तो 32 हमारे पास 29 से बड़ा है तो वो आएगा नहीं, तो यहाँ पे हमने इसको 1 पे डिवाइड किया और रिमाइंडर बचा 13 जिसको हम ज़ाहिर करते हैं डी के साथ।
तो जो वन बचा था हमने, सॉरी जो वन था 16 को जब 29 को 16 पे डिवाइड किया तो वन आंसर आया, वन को फिर डिवाइड किया 16 पे तो वन क्योंकि छोटा है तो वन वैसे का वैसे आ जाएगा और ज़ीरो सबसे एंड पे हमारे पास आ जाएगा। तो 7551 बेस 10 इक्वल्स टू 01D7F16। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, कन्वर्ट 403 बेस 10 टू हेक्साडेसिमल, के 403 जो कि बेस 10 के अंदर है इसको मुंतकिल करें हेक्साडेसिमल के अंदर। तो 403 को डिवाइड किया 16 पे तो आंसर आया 25 और रिमाइंडर बचा 3। 25 को डिवाइड किया 16 पे तो आंसर आया 1 और पीछे बचा 9। फिर जो 1 था उसको डिवाइड किया 16 पे तो हम, क्योंकि 1 छोटी वैल्यू है तो 1 रिमाइंडर में आ जाएगा और 0 हमारे पास नंबर में आ जाएगा। तो 403 बेस 10 बराबर है 01 9 3 16 के। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट टू अदर नंबर, कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है यानी कि अशारिया के बाद जो हिस्से होते हैं उसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे नंबर सिस्टम्स के अंदर। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर सिस्टम, के जो दर्ज ज़ेल इकदाम को अपनाते हुए या उनको इस्तेमाल करते हुए डेसिमल नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि शारी हिस्सा होता है उसको हम दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर मुंतकिल कर सकते हैं। नंबर 1, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर विद द बेस ऑफ द सिस्टम इनटू व्हिच फ्रैक्शन इज़ टू बी कन्वर्टेड, कि सबसे पहले जो फ्रैक्शनल पार्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम का उसको जिस नंबर सिस्टम के अंदर मुंतकिल करना है उसकी बेस से मल्टीप्लाई करना यानी कि ज़रब देनी है। द रिजल्ट मे हैव टू पार्ट, अब रिजल्ट के भी दो हिस्से आएंगे, एक इंटीजर पार्ट होगा जिसको हम I1 से जाहिर करेंगे जबकि जो दूसरा हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट होगा जिसको हम F1 से जाहिर करेंगे। मल्टीप्लाई द रिजल्टिंग फ्रैक्शन पार्ट F1 विद बेस अगेन, जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा रिजल्टेंट का उसको हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ, इट विल गिव F2 एंड I2, वो हमें F2 और I2 दोबारा से देगा। रिपोर्ट दिस प्रोसेस अनटिल द फ्रैक्शनल पार्ट वैनिशेस, तब तक इस अमल को करते जाना है जब तक कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ख़त्म नहीं हो जाता। द प्रोसेस टू एंड द फ्रैक्शन पार्ट मे बी अनलिमिटेड, अब ये जो अमल होता है ये ऐसा भी हो सकता है कि लामहदूद चलता जाए। द यूज़र मे हैव टू डू मिनिमम 5 स्टेप्स, कि जो यूज़र है उसको कम से कम 7 स्टेप लाजमी करने चाहिए। द आंसर इज़ रिटन एज फॉलो, कि आंसर को हमें इस तरह से लिखना चाहिए I1, I2, I3, I4 और IN, कि जितने भी हमने इंटीग्रल पार्ट मिले हैं उन तमाम को हमने लिख दिए। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू बाइनरी, कि फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर किस तरह मुंतकिल करना है। एग्जांपल नंबर 1 है कन्वर्ट 0.56 इनटू बाइनरी एंड गिव आंसर अप टू 6 डेसिमल, कि जो 0.56 है उसको बाइनरी में मुंतकिल करें और जिसका जवाब हो वो हमारे पास 6 डेसिमल नंबर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब 2 को मल्टीप्लाई किया 0.56 पे तो आंसर आया 1.12, तो 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारे पास 0.12 हो गया। फिर ये जो हमारे पास इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट था 0.12 इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आया 0.24, हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया और 0.24 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। 0.24 को दोबारा हमने डिवाइड किया 2 के साथ तो आंसर आया 0.248, तो 0.48 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया जबकि 0 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। फिर इस 0.48 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आया 0.96, तो 0.96 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 0 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। इसी तरह जो 0.96 है उसको फिर हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आया 1.92, तो 0.92 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 1 हमारे पास इंटीग्रल
पार्ट हो गया। फिर हमने जो 0.92 है उसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आंसर आया 1.84। और इस तरह जो हमारे पास 0.84 है वो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, जबकि 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। फिर 0.84 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आंसर आया 1.68। तो 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया, 0.68 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो 0.68 को दोबारा जब मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आंसर आया 1.36। तो 0.36 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, जबकि 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। तो इस तरह ये हमारे पास जो अमल है वो लामहदूद अनलिमिटेड टाइम तक चलता रहेगा। तो इसको हम अपनी आसानी के लिए कम से कम 6 दफ़ा कर लेते हैं। तो हमने कहा 0.56 इक्वल्स टू 0.1000 11 बेस 2 के साथ। एग्जांपल नंबर 2 है जी, कन्वर्ट 0.23 बेस 10 इनटू बाइनरी, के इसको बाइनरी के अंदर मुंतकिल किया जाए। तो 0.23 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आंसर आया 0.46। 0.46 फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 0 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। इस तरह 0.46 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आंसर आया 0.92। तो 0.92 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और इंटीग्रल पार्ट 0 हो गया। फिर 0.92 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आंसर आया 1.84। 0.84 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, जबकि 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। 0.84 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आंसर आया 1.68। और 0.68 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है और जबकि 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है। फिर 0.68 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो आंसर आया 1.36। तो 36 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है और 1 जो है हमारे पास, सॉरी, जो 0.36 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है जबकि 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट दी गई है कि हमने 5 नंबर्स तक या 6 डिजिट्स तक इसको डेसिमल नंबर तक करना है, तो हमने इसको कर लिया। तो 0.23 बेस 10 इक्वल्स टू 0.00112, क्योंकि ये हमारे पास बेस, सॉरी, 5 डेसिमल नंबर्स तक किया गया है। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू ऑक्टल, के जो फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है उसको ऑक्टल के अंदर मुंतकिल करें। तो एग्जांपल नंबर 1 है, 0 कन्वर्ट 0.3 इनटू ऑक्टल गिव आंसर अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, कि जो 0.3 बेस 10 है इसको ऑक्टल नंबर के अंदर मुंतकिल करें और जो आंसर हो वो 5 डेसिमल नंबर के अंदर 5 डेसिमल नंबर्स तक आए। तो 0.3 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो आंसर आया 2.4। और 0.4 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 2 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। फिर 0.4 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो आंसर आया 3.2। तो 0.2 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 3 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। इस तरह फिर 0.2 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो आंसर आया 1.6। 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया और 0.6 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 4.8 आंसर है। 0.8 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 4 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। 0.8 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो आंसर आया 6.4। 0.4 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट, सॉरी, 0.4 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और जो 6 है वो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3 बेस 10 इक्वल्स टू 0.231146 बेस 8। एग्जांपल नंबर 2 है, कन्वर्ट 0.225 बेस 10 इनटू ऑक्टल, कि 0.225 को बेस ऑक्टल के अंदर मुंतकिल करें। तो 0.225 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो आंसर आया 1.80। 0.80 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। फिर इस 0.80 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो आंसर आया 6.40। 0.40 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 6 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। 0.40 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ, तो आंसर आया 3.20। 0.20 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और
3 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। 0.20 को मल्टीप्लाई किया हमने 8 के साथ तो आंसर आया 1.60, और 0.60 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। फिर इस 0.60 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो आंसर आया 4.80। 0.80 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 4 जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। तो इस तरह हमारा आंसर आया 0.225 बेस 10 इक्वल्स टू 0.163148 बेस 8 के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल, के जो डेसिमल नंबर सिस्टम है फ्रैक्शनल पार्ट का उसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे मुंतकिल करना है। कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल, के जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसको फ्रैक्शनल जो उसको फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो 0.3 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ तो आंसर आया 4.8। तो 0.8 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और जो 4 था वो इंटीग्रल पार्ट हो गया। तो 0.8 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ तो आंसर आया 12.8। तो 0.8 फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 12 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया जिसको हम सी से जाहिर करते हैं। फिर 0.8 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ तो हमारे पास 12.8 आया, 0.8 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, 12 हमारे पास आ गया इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो कि हमारे पास सी से जाहिर करते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि 0.3 इक्वल्स टू 0.4 सी सी ऑन, क्योंकि सी ऑनवर्ड ये चलता जाएगा तो इसको हम ऐसे ही लिखते रहेंगे। नोट सी इज़ रिपीटिंग वैल्यू, इट विल बी टेकन वंस कन्वेंशनली, क्योंकि सी हमारे पास एक रिपीटिंग वैल्यू बार बार आ रही है इस वजह से इसको सिर्फ और सिर्फ हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्ट डेसिमल नंबर इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट टू बाइनरी, के जो पहले हमने अलग-अलग किया इंटीग्रल पार्ट को अलग किया फ्रैक्शनल पार्ट को अलग किया, अब हमने दोनों जो इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट है उनको एक साथ कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। तो सबसे पहले हमने लिखा जी एग्जाम्पल नंबर 1 है कन्वर्ट डेसिमल नंबर, हमारे पास एग्जांपल मैं कन्वर्ट 673.23 बेस 10 इनटू बाइनरी। सबसे पहले हमने इंटीग्रल किया 673 को डिवाइड किया 2 पे तो 336 आंसर आया और रिमाइंडर बचा 1। तो 336 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 168 और रिमाइंडर बचा 0। फिर 168 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 84 और रिमाइंडर बचा 0। फिर 84 को डिवाइड किया हमने 2 पे तो आंसर आया 42 और रिमाइंडर बचा 0। फिर 42 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 21 और रिमाइंडर बचा 0। फिर 21 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 10 और रिमाइंडर बचा 1। फिर 10 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 5 और रिमाइंडर बचा 0। फिर 5 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 2 और रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 1 और रिमाइंडर बचा 0। फिर हमने 1 को डिवाइड किया 2 पे तो 1 क्योंकि छोटी वैल्यू है तो वो रिमाइंडर में आ जाएगी और आंसर आएगा 0। तो इस तरह 673 बेस 10 इक्वल्स टू 0101001001 बेस 2। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट है हम उसको करते हैं तो आया, तो फ्रैक्शनल पार्ट था 0.23 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आया 0.46। 0 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया, 0.46 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। 0.46 को डिवाइड किया 2 के साथ तो आंसर आया 0.92। 0.92 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 0 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। फिर इस 0.92 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आया 1.84। तो 0.84 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। फिर इस 0.84 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आया 1.68। तो 0.68 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। फिर 0.68 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आया 1.36 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया। इस तरह 0.23 बेस 10 के साथ इक्वल्स टू 0.00011 आंसर हमारे पास आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है कन्वर्ट 56.25 बेस 10 इंटू बाइनरी, कि इसको 56.25 को या 2 5 को मुंतकिल करें
बाइनरी के अंदर इंटीग्रल पार्ट को अलहदा से हमने करना है, फ्रैक्शनल पार्ट को अलहदा से करना है। जो इंटीग्रल पार्ट है पहले हम उसको करेंगे, 56 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 28 और रिमाइंडर बचा 0। 28 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 14 और रिमाइंडर बचा 0। फिर 14 को डिवाइड किया 2 पे, 2 पे डिवाइड किया और आंसर आया 7 और पीछे बचा 0। फिर हमने 7 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 3 और रिमाइंडर बचा 1। फिर 3 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आया 1 और रिमाइंडर बचा 1। फिर हमने 1 को डिवाइड किया 0 पे तो आंसर आया, रिमाइंडर आया 1 और आंसर आया 0। फिर इंटीग्रल पार्ट हम जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको हमने डिवाइड किया तो वो हमारे पास आया 0.25 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आया 0.5। 0.5 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और इंटीग्रल पार्ट हमारे पास 0 हो गया। 0.5 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आ गया 1.0। तो 0.0 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है और इंटीग्रल पार्ट 0 है। अब जो 0.0 को हम जानते हैं जिस भी साथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। तो 0.25 बराबर हो गया 0.01 के। अब इन दोनों को हम जब फ्रैक्शनल और इंटीग्रल पार्ट को मिलाएंगे तो 56.25 बेस 10 इक्वल्स टू 111000.01 बेस 2। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्ट डेसिमल नंबर इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, के इंटीग्रल और जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हमने ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के अंदर मुंतकिल करना है। तो एग्जांपल नंबर 1 है 225.225 बेस 10 टू इंटू ऑक्टल के, इसको ऑक्टल के अंदर मुंतकिल करें। तो इंटीग्रल पार्ट को हम अलहदा से करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को हम अलहदा से करेंगे। तो पहले हमने इंटीग्रल पार्ट को किया 225 को डिवाइड किया 8 पे तो आंसर आया 28 और रिमाइंडर बचा 1। फिर 28 को डिवाइड किया 8 पे तो आंसर आया 3 और रिमाइंडर बचा 4। फिर 3 को डिवाइड किया 8 पे तो क्योंकि 3 हमारे पास छोटी वैल्यू है तो वो वैसे रिमाइंडर के अंदर आ जाएगी और 0 हमारे पास वैल्यू होगी। तो 225 बेस 10 के साथ बराबर हो गया 0.3418 के। फिर फ्रैक्शनल पार्ट को हमने डिवाइड किया 0.225 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 1.80.80 फ्रैक्शनल पार्ट है और 1 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है। इस 0.80 को हमने मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो आंसर आया 6.40.40 फ्रैक्शनल पार्ट है और 6 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है। फिर 0.40 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो आंसर आया 3.20.20 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है और 3 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है। फिर 0.20 को मल्टीप्लाई किया हमने 8 के साथ तो आंसर आया 1.60.60 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है और वन है वो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है। इस तरह फिर 0.60 था उसको मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो आंसर आया 4.80.80 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है और 4 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है। 225 इन दोनों को जब हम ये जो 0.225 बेस 10 इक्वल्स टू 0.16314 बेस 8। अब इन दोनों को हम जो इंटीग्रल पार्ट का जवाब आया और जो फ्रैक्शनल पार्ट का जवाब आया उसको जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 225.225 बेस 10 इक्वल्स टू 341.16314 बेस 8। अब एग्जांपल नंबर 2 है कि इसी जो वैल्यू को यानी कि 225.225 को हमने मुंतकिल करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो इंटीग्रल पार्ट को हम अलहदा से करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को हम अलहदा से करेंगे। तो 225 को डिवाइड किया 16 पे तो आंसर आया 14 और रिमाइंडर बचा 1। 14 को जब डिवाइड किया 16 पे तो 14 क्योंकि छोटी वैल्यू है तो वो वैसे के वैसे रिमाइंडर में आ जाएगी और 14 को हम जाहिर करते हैं ई के साथ और रिमाइंडर नंबर में हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 225 बेस 10 बराबर होगा 0E1 बेस 16 के साथ, जबकि जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.225 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल्स टू 3.60.60 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है और 3 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है। फिर इस 0.60 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो आंसर आएगा 9.60.60 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है और 9 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है। फिर इस 0.60 का मल्टीप्लाई किया 16 के साथ तो आंसर आएगा 9.60।
तो 0.60 फ्रैक्शनल पार्ट है और 9 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है। तो इसका आंसर आया 0.225 बेस 10 इक्वल्स टू 0.39, क्योंकि 9 हमारे पास रिपीटिंग वैल्यू है, इस वजह से इसको हम सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो जब इन दोनों पार्ट्स यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट को इकट्ठे लिखेंगे तो आंसर आएगा 225.225 बेस 10 इक्वल्स टू 0E1.39। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको किसी बात की समझ ना लगे तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ रابطہ कर सकते हैं। फी अमानिल्ला।